सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए राव क्षेत्र के रहवासियों के एक अलग तरह की मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत तेज रफ्तार चलाने वाले वाहन चालकों से रहवासियों ने उठक बैठक लगवाई और इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए गए। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक ड्राइवर से बस की छत पर रहवासियों के द्वारा कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। बताया जा रहा है कि यह बस इंदौर पीथमपुर चलती है और इस दौरान इन बसों की स्पीड काफी तेज होती है, जिसके कारण कई हादसे इंदौर से पीथमपुर के दौरान सामने आ चुके हैं। अतः इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राव के रहवासियों ने इस मुहिम की शुरुआत की और जो भी तेज रफ्तार बस ड्राइवर बस लेकर निकलता उसे रोककर उसे कान पकड़कर उठक बैठक लगाने की सजा दी जाती है। वहीं रहवासियों ने बताया कि करीब 4 से 5 बस चालकों को उठक बैठक लगवाई गई है और समझाइश देकर छोड़ दिया। वहीं अगर बस चालक बस धीरे नहीं चलाते हैं तो इस तरह की मुहिम रोज राव में चलाई जाएगी। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कारण यह कि उपनगरीय बस जो है इंदौर से लगाकर मानपुर तक चलती है, करीब 80 बसें हैं और इस अंध गति से चलती है कि वो उनको ये पता नहीं रहता है कि साइड में कौन चल रहा है, किसको टक्कर लग रही है, कौन घायल हो रहा है, क्योंकि उनका समय कम होने के कारण ये इतनी गति से चलते हैं और बेतरतीब तरीके से रोड पे जहाँ सवारी मिले वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हमने इनको 1000 बार समझाई थी कि भैया नियम कानून कायदे से चलो, आपकी जान माल के साथ पब्लिक भी है, उनकी भी रक्षा का ध्यान रखो, लेकिन कोई नहीं मानता। कल जब हम नगर परिषद के सामने भारतीय जनता पार्टी के और आम नागरिक जो लोग हैं और मेरे साथ पत्रकार मुदय प्रभात किरण के अंकित चौधरी जी भी साथ में थे, हम सब मिलके एक बातें ही कर रहे थे। इतने में 2 बस वाला है, इतनी तेजी से आए इंदौर की तरफ से कि उन्होंने बीच रोड पे एक बस के आगे एक बस गाड़ी खड़ी कर दी, जिससे पूरा ट्रैफिक बाधित हुआ और एक बच्चे को टक्कर लगते हुए मतलब बच ही गया। वो 4 साल पहले भी हमारे एक घटना हुई थी जिसमें एक बच्चा वहीं बस स्टैंड के ऊपर ही इसी प्रकार आगे पीछे होने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ था। तो कल हमने निर्णय लिया कि बस वालों को और सरकारी संपत्ति को हानि ना पहुंचे ऐसा कोई कार्य किया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इन बस ड्राइवरों को बस की छत पर खड़ा करके अपन इनसे डर उठक बैठक लगाए, जिससे इनको शर्मिंदगी महसूस होगी और कम ये ऐसी हरकत ना करेंगे। उस समय क्या थाने के 2 एसआई साहब भी हमारे साथ खड़े थे, वो भी थे। हमने उनको बोला और उन्होंने भी बोला कि हम इनका चालान बना दें, इनके आज हम इनको समझाई दे रहे हैं। अब अगर नहीं मानेंगे तो हम इसको रेगुलर सप्ताह जैसे यातायात सप्ताह सुरक्षा सप्ताह जो चलता है उसके अनुरूप हम ये पूरी कार्रवाई आगे करवाएंगे।